है आपका बरेली देहात न्यूज चैनल में। मैं हूँ आरपी वर्मा, आप देख रहे हैं बरेली देहात न्यूज चैनल। आज आपको मिलवाएंगे हम ऐसी शख्सियत से जो कि महिला होने के बावजूद भी अपनी मेहनत पर एक अलग पहचान बनाई है जनपद पीलीभीत के अंदर, हिना परवीन, जो कि आज अपनी मेहनत के दम पर इन्होंने बहुत बड़ी पहचान बनाई है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो इनका नबी एंड संस जो फर्म है वासी बनाने की, उसको लेकर इन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर जो ख्याति प्राप्त की है उसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भी इनके लिए सम्मानित किया जा चुका है। कई बड़े बड़े नेताओं द्वारा और भी सम्मानित किया जा चुका है। आइए हम मिलवाते हैं आज आपके लिए हिना परवीन, जो कि पूरे प्रदेश के अंदर इनकी नवी एंड संस फर्म है जो बांसुरी बनाने की पूरे प्रदेश के अंदर बहुत फेमस है। मिलवाते हैं आपको हिना परवीन जी से। स्वागत है आपका प्रवीण जी। प्रवीण जी, जैसा कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो बांसुरी की जब बात आती है तो पीलीभीत जनपद का नाम जरूर आता है और नबी एंड संस का नाम जरूर आता है, तो इतनी बड़ी जो ख्याति आपने कैसे प्राप्त की? ये ख्याति मैंने अपने हस्बैंड स्वर्गीय नवाब अहमद जी से प्राप्त की है, क्योंकि मैं उनकी लाइफ पार्टनर तो थी ही, उन्होंने मुझे काम सिखाया और अपना बिजनेस पार्टनर भी मुझे बनाया और उसी के चलते मैं सारे काम सीख गई। और आज मेरे पति को 2 साल होने वाली हैं, डेथ हो गई है, मेरे बच्चे छोटे हैं, फिर भी मैं इस काम को चला रही हूँ, कर रही हूँ। वो इसलिए कर रही हूँ कि मेरे पति ने मुझे ये सब सिखाया, मुझे हिम्मत बंधाई, आज उन्हीं के कदमों पर चलने की कोशिश कर रही हूँ और मैं अपने काम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरा पुश्तैनी यही काम है। ये काम मेरा 200 साल पुराना है, ये चौथी पीढ़ी हमारी काम कर रही है, तो मैं ये चाहती हूँ ये हमारे श्री कृष्ण जी की बांसुरी कहीं भी लुप्त ना हो, लेकिन ये लुप्त होती जा रही है। मैं चाहती हूँ कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे सम्मानित किया है और मुझ में एक जज्बा पैदा है कि मैं कारोबार तो मेरा ये है, काम है ये मेरा, मैं इससे अपने शहर की पहचान ऐसी बनाऊं कि हर आदमी कहे कि वाकई कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी थी कि किसी एक महिला को जो कि एक छोटा सा काम करती थी बांसुरी बनाने का, उसको इन्होंने आगे ले जाके उसको उसकी पहचान दिला दी, कारोबार में तरक्की करवा दी। और कारोबार तो अपनी जगह है, मैं इसी कारोबार के माध्यम से ये चाहती हूँ कि मैं अपने देश का, अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ जी का और अपने माननीय मोदी जी का ऐसा नाम पैदा करूँ कि जैसे मेरी बांसुरी सुरीली है, मैं पूरे देश को सुरीला बना दूँ इस बांसुरी के ज़रिए। मेरी यही कामना है और इसी के लिए मैं लगातार मेहनत कर रही हूँ, जबकि मैं पूरी तरह से ये काम करने के लिए सक्षम नहीं हूँ। मेरे हस्बैंड की डेथ होने की बाद मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, डिप्रेशन में चली गई, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक हिम्मत है कि नहीं, अगर मैंने ये काम छोड़ दिया तो मेरे बच्चे ये काम नहीं कर पाएंगे और ये मेरा काम पिछड़ गया है और पिछड़ जाएगा, मेरे कारोबार को पहचान नहीं मिल पाएगी आगे। जो नाम मेरे हस्बैंड ने कमाया और ऐसा कमाया, वो स्टेट लेवल के एक बहुत बड़े कहना चाहिए कि बहुत नाम प्राप्त किया उन्होंने, सम्मानित भी हैं वो, उनको स्टेट और नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं, लेकिन इसी काम की वजह से वो काम करते करते हार्ट के पेशेंट हो गए और उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई है। इस बांसुरी की वजह से मैंने अपने पति को खोया है। मैं खुद भी भले ही समर्पित हो जाऊं, लेकिन ये काम ख़त्म नहीं होना चाहिए, इसको पहचान तो मिल ही चुकी है और जो मैं चाहती हूँ वो पहचान, मेरी ये कोशिश है कि मेरी बात सुने माननीय योगी जी, तो सुनी लें कम से कम, मुझे सम्मानित किया है, मेरा मौका नहीं मिला है मुझे इतना कि मैं उनसे अपनी इस कारोबार को लेके कोई बात कह सकूं, जो मैं इसके इस कारोबार में 4 चांद लगा सकूं। आगे मैं आशा करती हूं शायद वो मेरी कभी ना कभी बात सुनेंगे और मेरे कारोबार को आगे बढ़ाएंगे। मैडम जी, जैसे कि और लाखों दर्शक आज आपको देख रहे हैं, तो परिवार के बारे में भी जानना चाहते हैं, पति के बाद और कौन कौन है परिवार में? मेरे परिवार में मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी एक बेटी है जो कि 19 साल की होने वाली है और मेरा एक बेटा है जो कि 17 साल का, बस ये मेरा परिवार है। तो मैडम, औला से क्या आपका क्या संबंध है? औला में भाई साहब मेरा मायका है जी, मैं यहाँ की निवासी हूँ और पिछले 20 साल से मैं बीजेपी की कार्यकर्ता रही हूँ
मानी धर्मपाल जी मेरे भाई हैं, मैं राखी बांधती हूँ और वो मुझे बहुत मैं बता नहीं सकती दिल की गहराइयों से वो मुझे बहन मानते हैं, मेरा सम्मान करते हैं, मुझे इज्जत देते हैं। मैं उनकी वजह से लगातार ओला आती हूँ, जब भी मुझे बुलाते हैं आती हूँ राखी बांधने के भी मौके पर। आज मेरे माननीय धर्मपाल जी ने मुझे बुलाया, दीपावली थी, मैं उनसे मिलने आई हूँ आज दीपावली के दिन। और बस ये मेरा यहाँ से रिश्ता है और मैंने इलेक्शन में इनको जीत लगातार हासिल करवाई है। अपने दम पे अकेली महिला होने के नाते मैंने यहाँ बहुत कन्वेंसिंग की है, बहुत ज़्यादा यहाँ ओले की महिला जेंट्स में यहाँ जगह जगह गई हूँ। मैंने वोटिंग इनकी यहाँ माननीय धर्मपाल जी के लिए करवाई, खड़े होकर खुद बूथ पे मैंने वोट डलवाए हैं। ये मेरा इनसे रिश्ता है, मैं इनकी बहन हूँ, इसके लिए मैं इनके लिए काम करती हूँ और बीजेपी के लिए काम करती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि कुछ भावनाएं ऐसी हैं लोगों के मन में कि मुसलमान हो के कि बीजेपी को वोट नहीं दे सकते, बीजेपी के लिए नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। अभी भी ईमानदारी बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं और ईमानदारी जो है वो ज़िंदा है, और बहुत ऐसे मुसलमान हैं कि जो बीजेपी का दम भरते हैं मुझ जैसे और वोट देते हैं। मैडम, अब तक आप उत्तर प्रदेश के जो किन किन बड़े नेताओं द्वारा सम्मानित हुई हैं? देखिए, सबसे पहले तो मेरे भाई मुझे धर्मपाल जी बहुत सम्मानित करते थे, हौसला उन्होंने ही मेरा बढ़ाया, मुझे आगे बढ़ाया, मुझे प्रेरणा दी कि नहीं आगे हिम्मत मत हार, आगे जा, चली गई। उसके बाद फिर राजनीति में किसी कारणवश मैं नहीं आगे आ सकी, मेरे बच्चे छोटे थे, कुछ परिवार की जो बाधाएं होती हैं वो भी थी, वो भी मैंने एक्सेप्ट की, नहीं किया, लेकिन मैं अपने भाई से जुड़ी रही धर्मपाल जी से। उसके बाद उन्होंने मुझे और आगे रास्ताएं बताई, मैं चलती चली गई, मैंने लगातार निरंतर मैंने काम किया बीजेपी के लिए। उसके बाद फिर मुझे ऐसा मौका आया कि जब मेरे पति नवाब अहमद जी जब जिंदा थे तो उन्हें जब सम्मानित किया जाता था स्टेट अवार्ड या नेशनल अवार्ड के लिए तो मैं उनके साथ जाती थी। तो कई सरकारें मेरे सामने ऐसी आई, उन्होंने मायावती जी और सब उन्होंने सम्मानित किया, लेकिन मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सम्मानित किया मेरे काम के लिए। मेरे पीलीभीत से एक ब्यौरा गया, महिलाओं में मेरा नाम गया, और अभी भी 15 अगस्त को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुलाया था, 15 अगस्त को मैं वहाँ गई, मुझे सम्मानित किया, और फिर सिद्धार्थ नाथ जी ने मुझे सम्मानित किया। बस यहाँ तक अभी मेरी कहानी। जब आपका उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ द्वारा सम्मानित करने के जब आपको सूचना मिली जी, तो उस दिन आपको कैसा महसूस हुआ? मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं उस दिन खुशी के मारे सो भी नहीं पाई। जब मुझे खबर मिली कि मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है तो मैं उस रात पूरी सो नहीं पाई, मैं ये सोच रही थी कि मैं कौन सा ऐसा क्षणों में वहाँ पहुँच जाऊँ। और जब मैं मिली तो मैं अपनी खुशी की सीमा बयान ही नहीं कर सकती हूँ कि मुझे कितनी खुशी हुई कि एक मुख्यमंत्री जी ने मुझे अपने पास बुलाया, स्टेज पे बुलाया और मुझे सम्मानित किया। मेरे लिए ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, और मैं चाहती हूँ कि मुझ जैसी बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो काम करने वाली भी हैं और बेचारी वो कुछ कर नहीं पा रही हैं, तो मैं उनके लिए काम कर रही हूँ कि उनको उनकी पहचान दिला सकूँ। एक मैं ये नहीं कि मेरा ही भला हो, मैं चाहती हूँ जितनी भी महिलाएँ हैं जो कि घरेलू भी हैं और जो कुछ बाधाओं से बेचारी कुछ नहीं कर पा रही हैं, और जो उनके साथ उनकी और भी दिक्कतें हैं उनके घर में या उनके परिवार में या व्यवसाय का उनका कोई ऐसा जरिया नहीं है, मैं वो भी कर रही हूँ, अपने स्तर से काम सिखा रही हूँ, उनको काम करने का तरीका बता रही हूँ, और उनको जो मदद हो सकती है मैं खुद भी करती हूँ, जबकि मैं खुद भी एक तरह से विधवा हूँ और खुद भी काम करती हूँ, मैं अपने काम में से दूसरों को काम देती हूँ। क्या कहना चाहेंगे, आज आपके लिए लाखों लोग देख रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहूँगी कि ये सरकार हमारी जो है वाकई अच्छा काम किया है और इससे बहुत लोगों को मनोबल मिला, मुझ जैसी महिला को मिला, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये सरकार वाकई में काम करती है और आगे भी काम करेगी। और बस मेरा यही कहना है कि हिम्मत से बीजेपी को वोट दें और ये पहचान ख़त्म कर दें, हिंदू मुस्लिम ख़त्म कर दें बस, और अपना जो भी काम है करें। सरकार बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं, सबकी मदद के लिए खड़ी है, लेकिन करने वाला तो हो। धन्यवाद। ये थी हमारे साथ हिना परवीन, जो कि नबी एंड संस नाम की जो फर्म है वांसुरी बनाती है, पूरे प्रदेश के अंदर
पीलीभीत की जो बांसुरी प्रसिद्ध है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित कई बड़े बड़े नेताओं द्वारा हिना परवीन जी सम्मानित हो चुकी हैं। लगातार हम ऐसे ही प्रतिष्ठित लोगों से मिलवाते रहेंगे। देखते रहिए बरेली देहात न्यूज़।